हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में आपको मिलेंगे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट नोट्स चैप्टर वाइज। फिलहाल जो है हम आज की वीडियो में करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, दैट इज़ पावर शेयरिंग। इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर में जो जो भी आपके मतलब वो सारे टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मेनली जो है बेसिकली पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो आपको इस नोट्स में मिलेगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। एटलीस्ट जो है आपको जब आप इस वीडियो को देखोगे तभी आपको 70-80% जो चीज़ें हैं वो लर्न हो जाएंगी, और अगर आप इसे नोट डाउन करके रख लेते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में से, अगर आपने खुद भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आता कहाँ से है। बेल्जियम और श्रीलंका में क्या एथनिक प्रॉब्लम थी और किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया। इसके अलावा पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको लेकर ही आपके जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के इन लोग पूछते रहते हैं, तो इसलिए आप इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में, तो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन कहाँ है, बेसिकली ये है कहाँ। इट इज़ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ये आपका बेल्जियम जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक स्मॉल कंट्री है, जिसको आप बॉर्डर लगता है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। अब ये क्वेश्चन जो है आपका किस में बन सकता है, ये आपके MCQ में बन सकते हैं, क्या जो बेल्जियम का इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि उसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगा तो आप उसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि बेल्जियम जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, दैट इज इन यूरोप। इसके अलावा मेनली आपका क्या आता है, एथनिक कंपोजिशन। जो यहाँ पर दिक्कत थी ना, जो बेल्जियम है और श्रीलंका दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मेजोरिटी को लेकर थी, कि जो लैंग्वेज को लेकर बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में था 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। 59% जो वहाँ के लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोला करते थे, जबकि 40% वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोला करते थे, और जो 1% बच गए वो जर्मन बोला करते थे। तो ये तो कंडीशन थी पूरे उनकी ओवरऑल कंट्री की, लेकिन जो बेल्जियम की कंट्री ब्रुसेल्स वहाँ पर कंडीशन उल्टा था। अभी अगर आप यहाँ से इतने ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेजोरिटी जो है पूरे कंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो कौन दिख रहा है मेजोरिटी में, डच। लेकिन जब हम कैपिटल के बारे में बात करते तो यहाँ पर 80% जो है लोग फ्रेंच बोला करते थे और 20% डच बोला करते थे। तो यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि ब्रसल्स के अंदर जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में इसका जस्ट अपोजिट था, जहाँ पर कि ये जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजोरिटी में थे। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हुई क्या, अब इसको लेकर जो है थोड़ी सी हम बात करेंगे। जो यहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, हालांकि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी थी ओवरऑल कंट्री, बट देवर रिच, वो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे डच स्पीकिंग पीपल से, और शायद यही एक रीजन था कि वो अमीर होने की वजह से सारे के सारे जो है वो कैपिटल सिटी में शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को वहाँ पर बेनिफिट्स काफ़ी बाद में जाकर मिला, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से था कि ऑफ कोर्स जो पर्सन रिच है वो बाय द टाइम क्या होता है, धीरे धीरे रिच होता चला जाता है, बट बाद में इन्होंने जो है इन सारी चीज़ों को देखा कि हाँ हमें हर कम्युनिटी को देना चाहिए, पावर शेयर करना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो उन मेजॉरिटी कम्युनिटी को बाद में बेनिफिट मिला, बट जिसकी वजह से वहाँ पर टेंशन अराइज हो गई थी इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, फ्रेंच वालों में और डच वालों में। कब, इन द 1950s एंड 1960s। और टेंशन जो था, ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर थी, तो ब्रसल्स में थी, कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स। एक एक पॉइंट जो है उससे आपके कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि आजकल आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, हर एक पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है श्रीलंका के अंदर क्या है। श्रीलंका की ज्योग्राफिकल पोजिशन के बारे में बात करें, इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन एशिया, जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इवन हमें पता है कि इंडिया के जस्ट बगल में ही है क्या, श्रीलंका एक स्मॉल आइलैंड है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है और तमिलनाडु से थोड़ी सी ही दूर पर है, जिसकी वजह से तमिल के काफ़ी पीपल वहाँ पर रहते हैं। अब एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करें, 74% आर सिन्हलीज स्पीकिंग पीपल। वहाँ पर मेजोरिटी में कौन है, सिन्हलीज पीपल, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और 74% वो हैं। 18% तमिल स्पीकिंग पीपल, 13% जो है वो श्रीलंका के नेटिव्स हैं जो कि श्रीलंकन तमिल जानते हैं, एंड द रेस्ट आर द तमिल लंकन्स हु आर डिसेंडेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर हु केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को लेकर हम बात करते हैं रिलीजन में कि क्या क्या था वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। वहाँ पर जितने भी सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वो कौन से
रिलीजन से बिलोंग करते थे, दैट इज बुद्धिज्म. मोस्ट ऑफ द तमिल्स, जितने भी तमिल्स थे वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे. क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ पॉपुलेशन. क्रिश्चियन की जो है वहाँ पर 7% लोग रहते थे एंड दे बिलोंग टू बोथ सिन्हाला एंड तमिलियंस कम्युनिटी. तो ये तो हम बारे में बात कर लिए उसकी. अब वहाँ पर दिक्कत क्या थी, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका में जो है मेजोरिटी को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो दिया गया कि मतलब जो मेजोरिटी है वही सब कुछ है. तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म की मीनिंग क्या है, उससे आप क्या समझते हो. आई बिलीव दैट ओनली द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री, मेक लॉज फॉर एवरीवन विद टोटल डिसरिगार्ड टू द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. मेजोरिटेरियनिज्म क्या कहता है, एक ऐसी सोच है जिसके अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी मतलब जिसके अंदर एक ऐसी सोच है कि मेजोरिटी कम्युनिटी को ही कंट्री पर रूल करना चाहिए और उन्हें ही लॉ बनाना चाहिए, और जो माइनॉरिटी है उनकी इच्छा उनकी ज़रूरत उनको क्या करते हैं कंप्लीटली तरीके से पूरी तरीके से डिसरिगार्ड करते हैं. और यही जो हुआ श्रीलंका के अंदर हुआ. श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गई थी 1948 में ही, और उन्होंने कुछ जो मेजर्स हैं उन्होंने बनाए वहाँ पर जब उन लोग इंडिपेंडेंट हुए. और अल्टीमेटली सिन्हाला वहाँ पर मेजॉरिटी में थे तो उनकी सुप्रीमेसी जो है वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया सबके ऊपर. अब उसके साथ ही उन्होंने यहाँ से आप समझ सकते हो किस तरीके से उन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिन्हाला ग्रुप को दिया, इट मेड सिन्हालीज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. कंट्री की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हालीज को बना दिया गया एंड इग्नोर तमिल कम्प्लीटली. तमिल को कम्प्लीटली उन्होंने इग्नोर किया. इसके अलावा जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसी उन्होंने बनाई कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को ही सारे गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, मतलब उनकी ही सबसे पहले प्रेफरेंस देखी जाएगी. इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी उनको ही सबसे पहले मौका मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस इट प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म. इसके अलावा उन्होंने प्रमोट किया, प्रोटेक्ट भी किसको किया, बुद्धिज्म को किया. और बुद्धिज्म फॉलो करने वाले कौन लोग थे, सिन्हाला वाले थे, मतलब मेजोरिटी वाले. तो ये उन्होंने जो है यहाँ पे किया. अब बात करते हैं इसकी वजह से हुआ क्या. अब जो माइनॉरिटी लोग हैं वो नाराज हो गए उसकी वजह से. जो है जो तमिल जितने भी तमिल्स लोग थे उन्होंने अपने को आपको बहुत ही एलिनेटेड फील किया कि हमारी तो कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है. नो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन वॉज गिवन टू देयर लैंग्वेज. उनके लैंग्वेज को, कल्चर को, रिलीजन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने लगे. उन्हें जॉब में इक्वालिटी नहीं मिलता था, यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं कर पाते थे, उनके लैंग्वेज और कल्चर को कोई देखता नहीं था. स्लोली द कॉन्फ्लिक्ट चेंज्ड इनटू अ डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नई डिमांड लेकर आ गया कि हमें क्या कर दो, अलग कर दो, रीजनल ऑटोनॉमी दे दो. द तमिलियंस वर ग्रुप टुगेदर इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द श्रीलंका. जितने भी तमिलियंस थे उन लोगों ने ग्रुप बना लिया, कहाँ पर, श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में. देयर डिमांड्स वर इग्नोर. लेकिन उनके डिमांड को क्या किया, इग्नोर किया, मतलब बार बार उन्होंने इग्नोर ही किया. बस जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज़्यादा खतरनाक तरीके से आ गई, किस टाइम पे, 1980s में. और इस टाइम पे तमिलियन जो है उन लोगों की डिमांड चेंज हो गई. अब वो क्या चाहते थे, दे वांटेड तमिल इलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर हुआ, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोनों तरफ से मारे गए. द फ्लरिशिंग इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज डिसअपीयर्ड. जो श्रीलंका की इकोनॉमी जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही थी वो एकदम से क्या हुई, गिर गई. और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हैज गिवन अ ब्लो टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द श्रीलंका. और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ श्रीलंका की पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. तो ऐसा हुआ. तो इसकी वजह से जो यहाँ से मतलब इन्होंने सीख लिया कि जो किसी भी कंट्री में इस तरीके से हमें मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो नहीं करना चाहिए. वहीं हम दूसरी बात करते हैं, जैसे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम में भी वही हम देख रहे थे डच और फ्रेंच को लेकर. लेकिन उन लोगों ने इस तरीके के नियम नहीं बनाए, उन्होंने थोड़े से अलग बनाए. तो अपने क्वेश्चन में आता भी है कि जो बेसिकली एथनिक प्रॉब्लम क्या थी बेल्जियम और श्रीलंका की, और बेल्जियम ने उस चीज़ को कैसे लिया और श्रीलंकन ने उसको कैसे लिया, और क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको लेकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है. इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अब बात करते हैं, बेल्जियम अनलाइक श्रीलंका हैड टेकन अ टोटली डिफरेंट स्टैंड. श्रीलंका ने जिस तरीके से क्या किया, पूरा मेजोरिटेरियनिज्म को इम्पोज कर दिया पब्लिक पे, सब कुछ जो है उन्होंने मेजोरिटी को ही फोकस कर दिया, सिन्हाला को ही सब कुछ मान लिया, हर जगह उनकी सुप्रीमेसी दिखा दी. बट ऐसा बेल्जियम ने नहीं किया, उन्होंने काफ़ी टोटली डिफरेंट स्टैंड लिया. इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दी. उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में ही बदलाव कर दिया टू अकोमोडेट एवरी एथनिक कम्युनिटी, ताकि सभी एथनिक कम्युनिटी को क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट करके रखें, सब कुछ जोड़ कर रखें. विद द रिजल्ट दैट इट डिड नॉट सफर फ्रॉम अ सिविल वॉर. और जिसकी वजह से क्या, वहाँ पर कोई भी सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज नहीं हुई, ना तो किसी ने ऑटोनॉमी या फिर कंट्री के पार्टीशन की डिमांड करी. तो ये बात हुई जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी एथनिक कम्युनिटी है सबको हम साथ लेकर चलेंगे, और सबको ही उन्होंने क्या दिया, राइट्स दिए, अधिकार दिए, हर कुछ दिया.
अब यहीं से पर जो एक क्वेश्चन आपका आपका ये भी बनता है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये आपके हैं। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगर पावर शेयर कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्टराइज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा जो हो सकता है अलग अलग सोशल ग्रुप में, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और जैसे ही सोशल कॉन्फ्लिक्टराइज होगा तो क्या होता है, वायलेंस होता है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। तो उससे अच्छा क्या है कि पावर शेयरिंग किसी भी हर डेमोक्रेटिक कंट्री को करके रखना ही चाहिए। इट प्रिवेंट्स ग्रुप फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू एनहांस देयर ओन पावर। अब इसकी वजह से क्या है कि ये उस चीज़ को रोकता है कि जैसे ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रुप बहुत मेजोरिटी में है या फिर सत्ता में आ गई तो अपने पावर का गलत तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग है हर ग्रुप ऑफ पीपल के, मतलब लोगों के बीच में। नेक्स्ट, नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर शेयरिंग यूनाइट्स द नेशन। कोई भी एक सिंगल ग्रुप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि कोई चेंज नहीं ला सकता, और पावर शेयरिंग क्या करता है, एक नेशन को यूनाइट करके रखता है, जोड़ कर रखता है। मैन पावर इज नॉट शेयर, अगर पावर को शेयर नहीं किया जाता है, इट ऑप्रेसिस द माइनॉरिटी, तो ये क्या करते हैं, माइनॉरिटी को दबा कर रखते हैं, इवन इन द मेजोरिटी। और जिसकी वजह से, अब कब तक इंसान दबा रहेगा, वो एकदम से तो फूटेगा ना कभी ना कभी, तो जिसकी वजह से मेजोरिटी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज मस्ट। तो इस वजह से जो है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा नहीं कि पूरा जो पूरे अधिकार है पूरा कि हाँ हम सारे डिसीजन हम ही लेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। पावर को क्या किया जाता है, अलग अलग लेवल पर शेयर किया जाता है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फेडरलिज्म का, उसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।